हेलो दोस्तों, लो आरपीएम जनरेटर जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि ओवन ट्रांसफार्मर की हमने टेस्टिंग की थी। इसमें दोस्तों हमने एक अलग से कोयल बना के लगाई है। जो हमारी पिछली वाली ओरिजिनल कोयल थी उसमें 55 से 60 वोल्टेज मिल रहा था, इसमें दोस्तों हमको 110 वोल्टेज मिल रहा है। इसमें हमने मैग्नेट बहुत हाई पावर के मैग्नेट यूज किए हैं। पहले हमने इसमें एक मैग्नेट से टेस्टिंग की थी, अब हमने इसमें डबल मैग्नेट लगाए हैं, दो मैग्नेट लगाए हैं। ये पूरी कोयल वाइंड की है, वाइंड करके इसमें लगाई है। दोस्तों सबसे मुश्किल घड़ी तब आ रही थी जब इसको हम रोकना था। इसमें अगर हम पेंच लगा रहे थे तब भी ये नहीं रुक रहा था, क्योंकि मैग्नेट बहुत ज़ोर से ऊपर को खींच रहा था, ये पकड़ ले रहा था बार बार। अभी एकदम फ्री है हमारी कोयल। इसमें हमने कुछ नहीं लगाया है, इससे हमें वोल्टेज 110 से 120 के आसपास मिल रहा है, वो भी एक डोरी खींचने के ज़रिए से। बहुत से ज़्यादा आरपीएम 700 से 800 हो जा रहे होंगे। दोस्तों इसका वोल्टेज अभी मीटर से चेक कराते हैं।
इसमें दूसरी कोयल हम यूज़ करेंगे इसके ऊपर इस जगह पर। इसको काट दिया है हमने। इसके कोयल बनाने के लिए हमने अड्डा भी बना लिया है इसका। सेम साइज है इसका। तार का गेज कितने टर्न पड़े हुए हैं दोस्तों आने वाले अगले वीडियो में बताएंगे। चलिए इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं। दोस्तों मीटर की तरफ नज़र रखनी है आपको, क्लियर हो जाएगा कितने वोल्टेज हैं। स्टैंड गिर गया था, एक बार और ट्राई करते हैं दोस्तों। दोस्तों जब वीडियो अकेले बनाना पड़ता है ना तो बस इसी सब चीज़ों की दिक्कतें सामने आती हैं, क्योंकि कोई कैमरे पकड़ने वाला नहीं है हमारे पास। जो भी मैं काम करता हूँ अकेले करता हूँ। करीब 80 वोल्टेज गए थे। दोस्तों 120 वोल्टेज हमने इसकी टेस्टिंग की है, निकले हैं, लेकिन सिस्टम दोस्तों ये पकड़ में नहीं आ रहा है। नब्बे सौ के पार जा रहे, क्योंकि 120 वोल्टेज इसका क्लियर है दोस्तों, क्योंकि सोचना पड़ रहा है कि स्टैंड कैमरा ना गिर जाए या कुछ और ना गिर जाए कहीं। इसी के कारण जो दोस्तों डोरी खींचते हुए नहीं बन रहा है। अभी दोस्तों इसमें बहुत से काम बाकी हैं। अभी सबसे पहले इसमें हम एक कोयल की टेस्टिंग की है।
इसमें अभी हम दो कॉइल लगाएंगे दोस्तों। एक कॉइल ये हमारी हो गई, दूसरी कॉइल हमारी इस जगह पे आएगी। इसमें दोस्तों चार कॉइल यूज करेंगे, दो कॉइल लगा, एक कॉइल लगा के टेस्टिंग की है, फिर दो कॉइल लगा के टेस्टिंग करेंगे, फिर इसमें हम चार कॉइल लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि हमारे पास ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं, कोर हमने काट ली है, कॉइल हमने बना ली है पहले से। इसमें ओरिजिनल भी टेस्ट करेंगे, जो हमने अपने हाथ से बनाई है कॉइल उसकी भी टेस्टिंग करेंगे। सबसे मुश्किल घड़ी दोस्तों तब थी जब इसकी ये सेटिंग नहीं हो पा रही थी दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा था कैसे इसको रोका जाए। फिर थोड़ा सा दिमाग लगाया, हमने कहा हम कोयल भी हमारी फ्री हो जाएगी, इसमें से दो लकड़ी के गुटके डाल देते हैं, नीचे से इसको डाल देते हैं, ये ऊपर की तरफ नहीं खींचेगा, रुक जाएगा। ये ऐसा ही सिस्टम हम इस साइड में ऊपर बनाएंगे, ऐसा ही सिस्टम इधर बनाएंगे दोस्तों। फिर एक कोयल हमारी इस साइड में आएगी और दूसरी कोयल हमारी इस साइड में आएगी, चार कोयल यूज करेंगे। इस जगह पे दोस्तों हम एक फ्राई व्हील का यूज करेंगे, जो इसके राउंड मुकम्मल रख सके। फ्राई व्हील बैलेंस के लिए जो है राउंड बराबर हमारे बने रहेंगे। इस साइड में दोस्तों पुली लगाएंगे, इसके ऊपर एक मोटर लगाएंगे, फिर इसकी टेस्टिंग करेंगे दोस्तों, देखते हैं ये चलता है कि नहीं चलता है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको इसी का दूसरा वीडियो देखना है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए कि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं दोस्तों इसी पे अगले वीडियो में, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।